दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ सर जैसा कि आपने कहा कि दो दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में हमने 7 घोषणा पत्र में 7 नियम चीज़ों पे हमने उन पर अपने सिग्नेचर लिए थे और मार्केट के जो हमारे 75 दुकानदार हैं 75 दुकानदारों में से करीब करीब 70 दुकानदार उस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं 2 या 3 दुकानदार जो इसका पूरा पालन नहीं कर पा रहे हैं उनको हमने पुलिस कर्मियों ने और मीडिया कर्मियों ने 4-5 बार बोल चुके हैं लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और कुछ दुकानदार बिना मास्क के पाए गए हैं कुछ दुकानों पे 15-15, 20-20 कस्टमर एक साथ खड़े हैं उनके लिए हमें CI साहब से भी अभी हमने कहा कि सर उनके लिए तो CI साहब उनको मुकदमा करने के लिए राजी हैं और वो कह रहे हैं कि सर मैं इनके 3-4 दुकानों का मुकदमा करेंगे आप मुकदमा दर्ज कराओगे इनके खिलाफ सर हम एक बार वार्निंग दे देते हैं उनके लिए अभी अगर वो आज 2-4 घंटे में अगर अपने आप को सुधार सकते हैं तो ठीक है नहीं तो कल हम उनके लिए बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे क्योंकि उनकी वजह से पूरी दूसरी मार्केट के दूसरे दुकानदारों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसलिए हम नहीं चाहते कि मार्केट का 2 या 3 दुकानदारों की वजह से मार्केट का नाम खराब हो कौन कौन दुकानदार है इसमें सर हमारी दुकान पर जैसा आप जानते हैं कि फेमस नाम है कि मोहन परचूनी वाला मोहन जनरल स्टोर पास में अपने साबुन वाला तेजूमल साबुन वाला अशोक होटल के नीचे और तीसरा नानकमन उंदन दास गुटके वाला व्यापारी जो कि अशोक बेकरी से 5-6 दुकान पहले दुकान है जो राम भरोसे पाव के सामने दुकान इन्होंने पड़ाव चाहिए तो गवर्नमेंट बोला कि धज्जे मारी हुई है कि बिल्कुल सर ये अभी पूरे अपने बिजनेस में लगे हुए हैं इसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पब्लिक को अपने कस्टमरों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इनके पास कस्टमरों की बहुत अथाह भीड़ है और इसकी वजह से ये पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है कोरोना जैसी जो महामारी पूरे विश्व में पूरी दुनिया में जो फैल रही है भाई सर कितना गलत है और कितना सही है जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है सर सब समझदार हैं और 2.5-3 महीने से सबने इतनी न्यूज़ देख ली है कि पूरी दुनिया के उन्होंने सब वर्ल्ड वार उन्होंने देख लिया कि पूरी बीमारी को किस रफ्तार से बढ़ती जा रही है कम नहीं हो रही है लेकिन उसके बाद भी अगर कोई इस तरह से अनपढ़ वाली बातें कर रहा है कि पैसा कमाने की तरफ उनका पूरा 100% अगर ध्यान है और खुद को भी ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ना कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ में है कि हम 2.5 महीने का अपना कैसे पूरा कंट्रोल करें ग्राहकों को कैसे फुलफिल करें अध्यक्ष होने के नाते आपकी यूनियन की तरफ से इनके ऊपर कोई किसी तरह की कोई पेनल्टी सर मैं आज के लिए मैं ये चाहूँगा कि आज के लिए हम उनको एक बार पर्सनली बुला के मीटिंग करके उनको वार्न किया जाए अगर वो आज अपने आप को सुधार के व्यवस्था बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो कल CI साहब ने कहा कि मैं खुद उनके ऊपर आके पर्सनली मुकदमा करूंगा आपका नाम और पदनाम मेरा नाम मितेश निचानी सिनेमा रोड पड़ाव का अध्यक्ष द कौंडसपुरा व्यापार एसोसिएशन सिनेमा रोड संजय मार्केट में सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने कर्तव्य का पालन पूरा किया है हमारे मार्केट के अंदर 2 दुकानदार हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही आज मैं लिखित में उनको कहे अनुसार जैसे कि हमारी CI साहब और SHO साहब से बात हुई थी कि साहब जो भी आपसे नहीं मानता आप उसकी लिखित में हमें सूचना दो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे तो आज हम 3 जनों के खिलाफ लिखित में CI साहब को हमारे लेटर पैड पर देने वाले हैं जिसके अंदर हमारे नानकराम मुंदलदास एक गुटखा का व्यापारी है मोइन प्रोविजन एक व्यापारी है और एक तेजूमल करके व्यापारी है इन तीनों के खिलाफ हम आज लिखित के अंदर CI साहब को एक एप्लीकेशन देने वाले हैं और इन तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे आपका नाम और CI साहब चाहे तो इन तीनों की दुकान बंद भी करवा सकते हैं हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हम उनका पूरा समर्थन करेंगे विजय निचानी कौंडसपुरा व्यापार एसोसिएशन